इस वक्त सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो वहाँ पर शुरू कर रहे हैं और अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री ने और यहाँ से ये रोड शो श्याम बाजार से शुरू होकर शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के आवास पर जाकर समाप्त होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री बाग बाजार स्थित माँ शारदा के आवास पर भी जाएंगे। और फिलहाल ये रोड शो आपको ये दृश्य हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जहां पर ये रोड शो अब शुरू हो चुका है और काफी वहां पर लोगों को इंतजार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। काफी संख्या में वहां पर लोग जमा हुए हैं ये आप दृश्यों में देख सकते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कोलकाता में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस रोड शो की जो थीम है वो बांगलीर मोने मोदी रखा गया है और काफ़ी वहाँ पर लोगों को इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी का और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपना रोड शो शुरू कर दिया है। ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इस बार भाजपा के पक्ष में पूरे देश में सबसे अच्छा परिणाम पश्चिम बंगाल से आएगा। ये प्रधानमंत्री की ओर से खुद कहा गया और इसका यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रसन्नजीत, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रोड शो कितना लंबा है और किस तरह का इंतज़ार वहाँ पर लोगों के बीच देखा आपने प्रधानमंत्री को लेकर के? वो स्वामी विवेकानंद जी का घर है वहाँ पे, जो अभी रामकृष्ण मिशन ने नई तरीके से पूरा सजावट किया है, पूरे घर का बाहर का एरिया है वहाँ पे मंदिर बनाया। तो ये जो 2-2.5 किलोमीटर जिस तरह से भीड़ है उसे लगता है कि 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ठीक है, हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बता रहे हैं कि करीब 2-2.5 किलोमीटर का ये रास्ता है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और भारी संख्या में वहाँ पर भीड़ जुटी हुई है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि इस बार पूरे देश की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो नतीजा है वो बीजेपी के पक्ष में सबसे अच्छा नतीजा पश्चिम बंगाल से आने वाला है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हैं, प्रधानमंत्री भी कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अभी हमारे जो संवाददाता प्रसन्नजीत जी बता रहे थे मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि देखिए ये इस बार का ये जो रोड शो है नॉर्थ कोलकाता का ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है
कि लास्ट फेज के इलेक्शन में जो पिछली बार 2019 में बीजेपी यहाँ अपना बीजेपी की कोई भी एक सीट नहीं हो पाई थी, तो ये एक बीजेपी के लिए चैलेंज था कि लास्ट फेज के इलेक्शन में पश्चिम बंगाल का जो ये कोलकाता सेंट्रिक है, उन सारे सेंट्रिक एक जगह पे बीजेपी अपना एक तरह से आप कहें कि वो पूरा का पूरा अपनी ताकत लगाए हुई, और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का अगर इधर आप रोड शो देख रहे हैं नॉर्थ कलकत्ता में, तो साउथ कलकत्ता में ममता बनर्जी भी साथ साथ उनका भी रोड शो और उनकी भी रैलियां सब चल रही है। लेकिन जब आपका सवाल है, जब पीएम ने कहा है कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल जो है वो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होगा बीजेपी के लिए, तो ये बात कहते हुए उनके बात पे कितना इस बात का दम आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो कलकत्ता में जब बीजेपी इतने दिन के संघर्ष के बाद भी कलकत्ता में अपना एक इस तरह का आधार नहीं बना पाया था, और आज के जो कलकत्ता आप देखते हैं तो उसमें आपको लगता है कि एक जन सैलाब सा कलकत्ता के इस 2.5 किलोमीटर में उमड़ पड़ा है, और ये जब जन सैलाब आप देखते हैं, लोगों की भीड़ देखते हैं और लोगों की जो उत्सुकता देखते हैं, और प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए जो ललक देखते हैं अपने अपने मोबाइल फोन में, उस लम्हे को कैद करने की जो लोगों में एक ललक देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये जो नॉर्थ कलकत्ता की जिस रोड से पीएम मोदी अभी गुजर रहे हैं, ये एक सामाजिक क्रांति का एक इलाका माना जाता है। ये भारत के जो राजधानी आप कहते हैं कलकत्ता ब्रिटिश काल में कभी रही है का वो गौरव मिला है कलकत्ता को, तो आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का सेंटर भी कलकत्ता का यही इलाका रहा है। इसी इलाके में आप कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके, और आप अगर बात करेंगे तो आप रामकृष्ण परमहंस की जो अभी आप शारदा माँ के मंदिर में घर पे आपने देखा पीएम मोदी का श्रद्धांजलि सुमन रखते हुए, तो ये आप कह सकते हैं एक कल्चरल सेंटर है पूरे कलकत्ता का। आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म को लेके भी अगर ये नॉर्थ बंगाल को आप कहें कि ये देश के लिए अग्रणी भूमिका रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार उनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है, तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने एग्रेसिवली कैंपेन किया है, जिस तरह से पीएम मोदी ने जो एग्रेसिवली रैलियां किया है, लोगों के एकदम एक एक इलाके में पहुंचे हैं, और अपने सरकार के जो 10 साल का उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको लोगों के सामने में रखा है, और इसके बाद जो ममता टीएमसी और सीपीएम और कांग्रेस के रीजन का उन्होंने लोगों के बीच में वो तस्वीरें रखी है, जैसा कि आज भी आप अपने ही बुलेटिन में बता रहे थे कि पीएम आज भी बता रहे थे इस चीज का कि ये कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही हैं। अगर आप टीएमसी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, सीपीएम को वोट दो, तो ये एक ही दुकान है, एक ही सेंटर है जहां पे ये वोट पड़ने हैं। तो वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कलकत्ता में, खास करके पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़े पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का दौर था, चाहे प्री पोल का इलेक्शन हो, पोस्ट पोल इलेक्शन हो, आप एक खून रक्त रंजित बंगाल हम लोग देखते रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन में आपने देखा, एमएलए के इलेक्शन में देखा, और एमपी के इलेक्शन में अभी आपने 6 फेज के चुनाव के सब होते होते आपने देखा, हर जगह एक वायलेंस का नगारा रहता है। और इसके सामने में जो संदेश खाली का जो ये एपिसोड रहा है वो भी पूरे दुनिया को और खास करके भारत को, देश को सर्वसार किया है। तो ये सातवें फेज के दौर में जब पीएम मोदी की ये रैली देखते हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो इसका मैसेज सात फेज के जो चुनाव में जो होने 1 जून को होने वाला है, कमोबेश आपको ये बात मैं एकदम बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इस बार का जो ये फेज का जो चुनाव है उसमें बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस है, वो सचमुच ये भीड़ और लोगों की ये ललक दिखाती है। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो जहां पर ये रोड शो चल रहा है वहीं पर वो मौजूद हैं। विशाल, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं लोगों में आप? देखिए चंद्रशेखर, जब आप ग्राउंड जीरो से बात करते हैं तो आप एग्जैक्ट, आपको पता होता है कि क्या सिचुएशन है।
देख के सुनी सुनाई बातें करना और ग्राउंड से बोलना ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। और ग्राउंड पे मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से बातचीत में पता चल रहा है कि 10 साल का जो ममता बनर्जी का जो रूल रहा है उसको लेकर वो उनमें काफी नाराजगी है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, अभी उन्होंने बारासात में रैली की और रैली में उन्होंने ये बता दिया कि विकसित भारत में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो रूल है लोग उससे उकता गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो एक जबरदस्त शोर पीएम के इस बात पे रिस्पांस आया और पीएम को देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ रैलियां कवर कर चुका हूँ बंगाल में, कृष्णानगर, बरासात और झाड़ग्राम, और हर जगह प्रधानमंत्री को देखने के लिए खासतौर से महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह है। और आज प्रधानमंत्री ने स्टेज से कुछ बच्चों के लिए कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हाथों में तस्वीरें लेकर आए हैं जो उन्होंने खुद बनाई हैं, और उसमें से एक तस्वीर भी मैंने आगे फॉरवर्ड किया जो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इनकी ये कलेक्ट कर लो। प्रधानमंत्री ने कहा आप इस पे एड्रेस लिख दीजिए, अपना फोन नंबर लिख दीजिए, मैं आपसे खुद बात करूंगा। तो जो इंस्टेंट कनेक्ट प्रधानमंत्री बनाते हैं लोगों के साथ, वो लोगों के दिलों को छू जाता है और यही आज देखने को मिला। और ये जो हुजूम देख रहे हैं आप कलकत्ता के रोड शो का, इसकी एक झलक हमने दिन में देखी थी जब प्रधानमंत्री ने बारासात की रैली ग्राउंड तक पहुंचते हुए दोनों तरफ लोग काफी बड़ी तादाद में उनको देखने के लिए मौजूद थे। तो बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है उसके पीछे प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री से जो अपेक्षा है बंगाल की वो जबरदस्त है और हमेशा नई ऊंचाइयों को वो छू रहा है। हमने देखा कि छठे चरण में 80% बंगाल में वो मतदान हुआ, 73% पांचवें चरण में हुआ और आखिरी चरण जो है इसमें बीजेपी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरी ताकत झोंक दी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ताकत मिलती है आप लोगों के प्यार से, और आप लोगों का जिस तरह से साइक्लोन के बावजूद आप लोग इतनी तादाद में मुझसे मिलने आए, मेरी बात सुनने आए, उससे मुझे जो एनर्जी मिलती है वो इसका पूरा बदला मैं चुकाऊंगा और बदला चुकाऊंगा बंगाल का विकास करके। विशाल, आप पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर आप मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया है कि इस बार जो नतीजे आएंगे उसमें सबसे अच्छा नतीजा पूरे देश में पश्चिम बंगाल से आने वाला है बीजेपी के लिए। क्या कुछ देखा आपने ग्राउंड पर, क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर के? चंद्रशेखर, जब चुनाव आते हैं तो हर नेता अपने हिसाब से दावे करता है, लेकिन ग्राउंड पे जब आप रिपोर्टिंग करने निकलते हैं और ऑफ कैमरा जब लोगों से बातचीत करते हैं तो आपको एक सेंस मिलता है कि किस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है। अलग अलग तबके के लोगों से मैंने बातचीत की है और सबने इस एक अपेक्षा जताई है, एक चेंज चाहते हैं वो बंगाल के अंदर। और प्रधानमंत्री और बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। 42 सीटें बंगाल में है, 18 सीटें बीजेपी ने पिछले चुनाव में हासिल की थी जो उनका अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, और अब बीजेपी इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहती है। और बीजेपी चाह रही है कि बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें उसके खाते में आए, और जो कॉन्फिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का वो इसी से रिफ्लेक्ट होता है कि लोगों को प्राइम मिनिस्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और लोग चाहते हैं कि बीजेपी यहाँ पर कुछ बदलाव लेकर आए। आज प्रधानमंत्री ने खुले दिल से यह बात कह दी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल जो है उसमें किस चीज की कमी नहीं है। आजादी से पहले बंगाल पूरे देश को रोजगार देता था, लेकिन ओवर द इयर्स यहाँ से लोगों का पलायन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बंगाल के पास रोजगार नहीं है। और पहले लेफ्ट ने लूटा, पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा, और अब तृणमूल कांग्रेस दोनों हाथों से लूट रही है, तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और मैंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन जिन ने खाया है उससे निकलवा के जिसका खाया है उसको मैं दूंगा। और इस बात से एक जबरदस्त रिएक्शन मिला क्राउड की तरफ से। चंद्रशेखर, ठीक है, विशाल हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें तो अब 1 जून को 9 लोकसभा सीट हैं जिन पर मतदान होना है, लेकिन ओवरऑल पश्चिम बंगाल में जितने चरणों में अभी तक मतदान हुआ है उसमें हमने जो कुछ देखा उसके बाद
अगर इन चुनावों की बात करें तो यहाँ पर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो बड़े मुद्दे यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित रूप से, और चंद्रशेखर जी, जो आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का अगर आपने शुरुआती दौर से देखा हुआ, तो उस समय में ये चुनाव उसके साथ में संदेश खाली के जो महिलाओं के उत्पीड़न को लेके जो शुरू हुआ था मोमेंटम, ठीक है, और उसके बाद बनते बनते आपने देखा कि ये पूरे बंगाल में एक तरह से इसको लेके आक्रोश भरा था, और उस आक्रोश के साथ में आपने देखा कि जिस तरह से बंगाल में मोमेंटम बना ममता बनर्जी के गवर्नमेंट बेटे के खिलाफ में, तो लगभग एक तरह से बैक फुट पे आती गई और हर चीज को करेक्शन करते हुए नजर आई। संदेश खाली में ममता बनर्जी लगातार कहती रही कि ये सब सारे बीजेपी का ड्रामा है, और बाद में ममता बनर्जी की पुलिस से लेके सारे वहां पे बैठ के और कैंप लगा के जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई तो वहां महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतें भी दर्ज कराते हुए दिखी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी का जो रूल रहा है टीएमसी का, वो एक तरह से पूरे पुराने सीपीएम की एक कॉपी रही है। आप कह सकते हैं कि वही सीपीएम के जो कैडर थे वो गांव के इलाके में, और जो जो पीएम टोलेबाज कह रहे थे, वो सारे वही लोग थे जो सीधे सीधे एक पार्टी का झंडा ही शिफ्ट किया था और वो टीएमसी के कैडर हो गए थे। तो वो वायलेंस का जो एक कैरेक्टर रहा है, वो कैरेक्टर जो आप ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को अभी भी आम लोगों के बीच में रीच करने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए कि वहां आपने देखा है कि जिस तरह से एक तरह का एक वहां पे वॉलेंटियर्स जो जो गूंज को उन्होंने बनाया है पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, तो आम लोगों की पहुंच जो है वो इस डेमोक्रेसी में एक फेयर इलेक्शन और फेयर करने में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी उतनी बड़ी चुनौती होती है। जो करप्शन की बात है, जो पिछले दो साल से देखे कि माननीय जो उच्च न्यायालय का जो इंटरफेरेंस के बाद जितने भी सीबीआई के और ईडी के इंक्वायरी के बाद जब आपने देखा, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भी अपने सभाओं में कह रहे थे कि नोटों का पहाड़ आपने अगर पश्चिम बंगाल में देखा होगा तो वहाँ भ्रष्ट मंत्रियों के घर से वो पैसे निकले थे, तो ये सारे चीजें वहाँ टॉक ऑफ द टाउन है, लोग इस चीज बात को चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात ये हुई इस इलेक्शन में, जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार के ओबीसी कोटे को लेके, जब मुस्लिम में 72 जातियों का आरक्षण के नाम मुस्लिम कोटे में ओबीसी कोटे में रखा था, उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक्सपोज किया, ये पश्चिम बंगाल में अभी दो तीन फेज के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि लगातार ममता बनर्जी से लेके टीएमसी सीपीएम और कांग्रेस का जो वहां कैंपेनिंग था, वो पूरे देश का जो कैंपेनिंग है इंडिया गठबंधन का, उसी के आधार पर था कि संविधान खतरे में था, है लोकतंत्र बचाना है, हमें हमें आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीजें उनके अपने आप एक्सपोज होती गई। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि ये इनका इंपीचमेंट जो है वो कैसे एक्सपोज हुआ है, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप धर्म के आधार पे जब पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के 72 कास्ट को आप शामिल किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये गैर संवैधानिक है और इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ वोट बैंक है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के इस मुहर के बाद जब ममता बनर्जी बैकफुट पे आई है, तब से वो कहने लगी है कि हम हाईकोर्ट का ये आदेश नहीं मानेंगे, हम आरक्षण जारी रखेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी का आरक्षण दे के रहेंगे। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा सबसे बड़ा जो उनका सीएए पे रहा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दम खम से सीएए को अपना स्टैंड बताया, और सीएए कानून को लागू करने के साथ साथ जब आपने देखा कि पिछले हफ्ते में 200 से ज्यादा पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू सिख कम्युनिटी के शरणार्थी थे, उनको ये मिला, भारत का नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला, तो ममता बनर्जी का जो ये भ्रम फैला रहे थे वो लगभग भ्रम वहां पे खत्म हो रहा था। मथुरा समाज का जो एक इस कंस्टिट्यूएंसी में भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रभाव है, हर कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 18 ऐसे एमपी कंस्टिट्यूएंसी है जहां ममता मथुरा समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है, और ममता बनर्जी ज्यादा के उसको कहती थी उन समाज को कि अगर आपने सीएए का फॉर्म भरा तो आपकी जो है वो नागरिकता तो ज्यादा मिलेगी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जो है वो सख के दायरे में आ जाएंगे, आपके पास में ये कानून नहीं होगा, आप यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब एग्रेसिवली कैंपेन में पीएम मोदी ने, अमित शाह ने ये बताना शुरू किया कि सीएए को कोई हटा नहीं सकता, इस कानून को कोई बदल नहीं सकता, ये पूरे उन सारे शरणार्थियों के लिए है
जिसने विभाजन का दंश झेला है, जो भारत में शरण लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहा था, वो ऐसे हिंदू सिख ईसाई जैन कैसे कम्युनिटी के लिए ये भारत शरण देने की बात कही है, उनको नागरिकता देने की बात कही है। तो सबसे जब भारत का भारत सरकार का ये स्टैंड क्लियर हुआ है तो वहाँ भी समाज में ये इम्पैक्ट पड़ा है। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो ममता बनर्जी शुरू से उठाती रही थी, वो मुद्दों पर ममता बनर्जी खुद घिरती हुई नजर आ रही थी। चंद्रशेखर बिल्कुल, विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं, उन्होंने पिछले जो चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर चुनाव भी कवर किए हैं। विशाल, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार दो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। हाल ही में OBC वाला मामला भी सामने आया। ये जो दोनों मामले हैं, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, कितना कुछ वहाँ पर, खासकर अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, पिछले दिनों हमने संदेश खाली भी देखा, इसका असर वहाँ के जनमानस पर कितना है? चंद्रशेखर, आज आपने बात की संदेश खाली की, संदेश खाली की जो एक महिला है जो शिकार हुई उस उत्पीड़न की और उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, और रेखा पात्रो जो एक कैंडिडेट है बीजेपी की, उनके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं इनके भाषण को सुन के बहुत अभिभूत हुआ हूँ और TMC के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह का भाषण दे सके, और ये हमने बीजेपी ने इनको कैंडिडेट बना के ये बता दिया है कि नारे की अस्मिता को हम कितनी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने बात की भ्रष्टाचार की, तो अगर आप बंगाल के अलावा ओडिशा और बिहार को भी अगर आप इसमें मिला लें, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है बिहार और उड़िया, ये तीनों स्टेट्स में माइग्रेट करते हैं, और 40 सीटें आपके बिहार की, 21 आपकी उड़ीसा की और 42 आपके बंगाल की, तो बीजेपी ने यहाँ पर फोकस रखा करप्शन और अपीजमेंट, और करप्शन और अपीजमेंट को लेकर बीजेपी बुलडोज कर रही है और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को वो तोड़ देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस इलाके में फोकस कर रहे हैं, खासतौर से बंगाल में, और दो दिन का दौरा है प्रधानमंत्री का, आज से शुरू हुआ, सुबह से लेकर शाम तक प्रधानमंत्री पूरी एनर्जी के साथ लोगों के बीच में जाते हैं, कल भी उनकी रैलियां हैं यहाँ पर, जनसभाएं हैं, और कागद्वीप पे जहाँ मैं खुद मौजूद रहूंगा वहां पर प्रधानमंत्री फिर से एक बार लोगों से मुखातिब होंगे। बार बार वो एक ही बात को उठा रहे हैं कि आप जो लोग हैं बंगाल के, वो एक जुझारू लोग हैं, बंगाल के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, बंगाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान दिया है, बावजूद इसके आज जो आम बंगाली है वो छोटी छोटी चीजों के लिए, बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहा है, और उसकी वजह ये है कि जो ममता सरकार है, करप्शन और अपीजमेंट के अलावा उन्होंने एक काम ये भी किया कि सेंट्रल की जो स्कीम्स थी उसको उन्होंने ब्लॉक किया, और जो केंद्र की योजना है उसको आम जन तक नहीं पहुंचने दिया, गरीब तक नहीं पहुंचने दिया। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है करप्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा हमलावर है, और उन्होंने कहा कि एक एक चीज का मैं हिसाब लूंगा और आपसे जो छीना गया है वो आपको मैं दूंगा। मैं बंगाल में कुछ वक्त से हूँ और बंगाल में बार बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा है, खासतौर से जो OBC को लेकर जिसमें बंगाल भी शामिल है, और उन्होंने ये अपीजमेंट के तहत किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप रिलीजन के बेस के ऊपर आप जो है रिजर्वेशन दो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो TMC है, कांग्रेस है, इंडिया अलायंस है, या फिर TMC है, ये कभी बोलते हैं कि हम अलग अलग हैं, कभी हम कहते हैं कि नहीं हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 1 तारीख की मीटिंग में नहीं आ सकती क्योंकि इलेक्शंस है, और दूसरा साइक्लोन का भी इफेक्ट है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार यहाँ पर नहीं है अभी, बावजूद इसके हमारी सेंट्रल एजेंसीज ने पूरी तरह से मेहनत की है और हमने साइक्लोन को अच्छे से कंट्रोल किया, उसके डिजास्टर मैनेजमेंट की भी उन्होंने तारीफ की, आज NDRF की भी प्रधानमंत्री ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि केंद्र हर संभव सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री बार बार ये बताना चाहते हैं बंगाल के लोगों को, खास तौर से बंगाल की महिलाओं को, कि बीजेपी को अगर आप चुनते हैं
तो बीजेपी आपकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, बीजेपी आपकी बेसिक एमिनिटीज की गारंटी लेता है, आपके खाने से लेकर आपके किचन और आपके घर। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सिर्फ चार दीवारी और छप्पर नहीं देता, मोदी जो आपको देता है वो आपको एक घर देता है, एक किचन देता है, एक वॉशरूम देता है, ताकि आप इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को जी सके। और यही बंगाल के लिए बहुत जरूरी है। और बंगाल के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बार बार वो हवाला देते हैं किस तरह से टाटा को यहाँ से मूव करना पड़ा नंदीग्राम से, और किस तरह से नेफ्ट रूल के अंदर फैक्ट्रीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, ताले लग गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो बंगाल में बढ़ा, बावजूद इसके कि उसके पास सारी चीजें हैं, उनको रोजगार की तलाश में दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ा। तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो बंगाल डिजर्व करता है हम बंगाल को वो दें, और ये तभी संभव है कि आप अपना वोट इधर उधर डाल के वेस्ट ना करें। अगर आप सीपीएम में भी वोट डालते हैं तो भी वो एनडी अलायंस के थ्रू टीएमसी के पास जाएगा, लेकिन अगर आप बीजेपी को वोट डालते हैं तो उससे मेरे हाथ मजबूत होंगे, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपका जो छीना गया है वो मैं आपको सूद समेत लौटाऊंगा। चंद्रशेखर, बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करें। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री एक रोड शो कर रहे हैं कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में वहाँ पर सड़क के दोनों ओर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ये आपको हम दृश्य कोलकाता से दिखा रहे हैं। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर आज जो ममता बनर्जी की ओर से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा है कि जब हमने सीपीएम को ख़त्म कर दिया तो बीजेपी को भी हम ख़त्म कर देंगे, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ममता बनर्जी की एक वक्त जो लड़ाई थी वो सीपीएम से थी, और वो दौर था जब पश्चिम बंगाल में सीपीएम का शासन हुआ करता था। तो क्या ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है? चंद्रशेखर, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, उससे पहले आज ये अगर आप कलकत्ता में हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा करना जरूरी हो जाता है। तो जब आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और वो उस कलकत्ता में आज पीएम मोदी है, तो आप कह सकते हैं कि ये बीजेपी का एक पैतृक इलाका है। पैतृक इलाका मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अगर बीजेपी के शीर्ष पुरुष का नाम अगर ले दो चार में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे पहला नंबर आते हैं। और उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कलकत्ता में अगर आप पीएम मोदी है तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर में एक अपना वो भाव है जो अपने संस्थापक के उस शहर में उस इलाके में है। तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बातों को जब हम आप देखते हैं कि एक जम्मू कश्मीर की जो आप आज देख रहे हैं बदनी हुई हालत, और नया कश्मीर की आप बात करते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के, तो वो लड़ाई लड़ने वाला भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक निशान का संकल्प लेके वो जब जम्मू कश्मीर में वो क्रॉस किए थे, कठुआ बॉर्डर से वहाँ लखनपुर बॉर्डर क्रॉस किए थे, तो शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया। नेहरू जी की सरकार थी केंद्र में और उसके बाद रहस्यमय तरीके से जब उनको अरेस्ट करके रखा गया था तो उनकी मौत हो गई थी। तब से बीजेपी का वो स्लोगन जारी रहा और वो जारी रहा पिछले 40-50 साल तक कि जो जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आपको याद होगा बीजेपी ने अपने स्तुति भाव में उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सामने में रखा, और पीएम मोदी जब जब भी जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सबसे पहला नाम लेते हैं। तो बीजेपी का ये पश्चिम बंगाल से एक वो पुराना नाता है, वो ऐसा संबंध है जो ममता बनर्जी सिर्फ एक डायलॉग देके उसको नहीं खत्म कर सकती। वहां बीजेपी की जड़ें हैं, वहां बीजेपी के लिए वहां पे संघ का एक बड़ा काम है। साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जब हिंदू संस्कृति की बात आप करते हैं, उसके सारे संस्थापकों के भाव में, आदि पुरुष के भाव में
आप पश्चिम बंगाल के इस कलकत्ता के नॉर्थ कलकत्ता के सेंटर में आप देख सकते हैं, जहाँ रामकृष्ण मिशन से लेके आप नरेंद्र स्वामी विवेकानंद मिशन से लेके आप जितने, जिसको ममता बनर्जी अभी कह रही थी कि ये सन्यासी नहीं बीजेपी के एजेंट है, तो इसी रोड पे पिछले एक हफ्ते बाद पहले आपने देखा होगा कि रैलियां साधु संतों ने निकाली थी, एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिसपे प्रधानमंत्री मोदी अभी जा रहे हैं उसी रोड पे। तो ये भाव एक है, लोगों को इस बात का हमेशा अंदेशा रहती है कि ममता बनर्जी के तुष्टीकरण में शायद भारत की जो भारतीयता है, सनातन की जो संस्कृति है, वो कहीं से खत्म होती जा रही है। जब ये मोदी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ रामनवमी भी होंगे और दूसरे उत्सवों की तरह यहाँ भी हिंदुस्तान के जो उत्सव है वो मनाए जाएंगे, तो ये लोगों को आह्लादित करता है, जिससे ममता बनर्जी सरकार ने पिछले वर्षों में छीन लिया था। तो आप इस बात को, ममता बनर्जी के उस दावे की कोई अहमियत नहीं रहती है। जहां तक रही बात कि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है इंडिया गठबंधन में, वो एकला चलो के साथ साथ जब वो एक फ्रंट पे आती है, जैसे 1 जून को इंडिया गठबंधन ने अभी अपना एक मीटिंग कॉल किया है और ममता बनर्जी ने साफ साफ मना कर दिया है कि मुझे इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं जाना है, हमारी अपनी और पहले से शेड्यूल्ड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस तरह से कांग्रेस ने एक तरह से गठबंधन को अपने हाथ में लिया है, तो ऐसे गठबंधन में ममता बनर्जी नहीं जाएगी। और ममता बनर्जी ने इसके संकेत इलेक्शन में लास्ट फेज में दे रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब वो ये भी कह रही है कि हम गठबंधन में नहीं है। तो ममता बनर्जी की लड़ाई पश्चिम बंगाल में जो एकला चलो का है, वो उनका एग्जिस्टेंस का सवाल है। और एग्जिस्टेंस का सवाल इसलिए भी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का ये 14 साल का जो टेरियोर शासन रहा है वो अपने लोएस्ट स्पॉट में है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जितने भी रैलियां हैं, उस रैली में जब वो सारे चीजों का लोगों के सामने में रखते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि और ममता बनर्जी सरकार की उपलब्धि, जब पीएम कहते हैं कि हम जो भारत का जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो पश्चिम बंगाल के बिना विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा होता है, आज का जो भारत है वो भारत आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एक विकसित भारत के रूप में भारत की एक पहचान बनी है, और उसमें जब एक ग्लोबल हब पर भारत बना है, टूरिज्म को लेके, टेक्सटाइल को लेके, डिजिटल को लेके, नए नए इन्वेंशन को लेके, उसमें बंगाल कहाँ रह गया है। तो जो बंगाल इंडस्ट्री के रूप में आप कह सकते हैं पूर्वी भारत का या पूरे नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर होता था, वो ममता बनर्जी के सरकार में एक रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। तो ये बात लोगों को इस भीड़ में, लोगों की इस ललक में प्राइम मिनिस्टर मोदी से वो उम्मीदें जगती है। वो उम्मीदें जगती है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में खास करके शहरी इलाकों में ये अब लगने लगा है कि शायद पीएम मोदी के रास्ते पे इन सारे शहरी इलाकों का, वही जो एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है भारत के अन्य शहर, उस शहर का दर्जा भी कभी पश्चिम बंगाल का भी होगा, उस शहर का जो डेवलपमेंट है कभी देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों की तरह होगा। ये ललक भी आपको कलकत्ता के इस रैलियों में दिख रहा है, इस रोड शो में दिख रहा है। जो ये सारी चीजें जो है वो आप एक देश के फलक पे जब देखते हैं और पश्चिम बंगाल कैसे पीछे छूटता गया है, तो लोगों के सामने में आज पीएम मोदी है जो एक उम्मीद जगाती है, एक भरोसा देता है, और यही भरोसा जो है लोगों को इतने भारी तादाद में आप देख रहे हैं कलकत्ता के इस व्यवसायी और एक इस शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रोड के दोनों बगल में लाखों लोग जमा हुए हैं। तो ये एक उम्मीद की मोदी है और मोदी की जो गारंटी है वो सच में देश के आम लोगों को इस मन में बताता है कि कोई गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी होती है। चंद्रशेखर, ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए, विशाल बैरिस्टो हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, इस बार के अगर हम चुनाव की बात करें तो बीजेपी की ओर से बार बार ये भी आरोप लगाए गए कि पश्चिम बंगाल में राज्य की मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिसमें से एक आरोप ये था कि जो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हो रहा है इसको लेकर के भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवी ने आज सवेरे 2 वीडियो भी डाले थे, और उनका आरोप ये था कि आधी रात के बाद ममता बनर्जी के निर्देश के तहत कोलकाता पुलिस प्रधानमंत्री के रोड शो के मार्ग के विभिन्न बिंदुओं पर बनाए गए स्टेज को हटा रही है, उनके पास सारी
मांगे हैं वो अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अनुमति भी नहीं देंगे। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, जो पश्चिम बंगाल सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग को लेकर के सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं बल्कि चुनाव से पहले भी जब वहाँ पर ईडी की छापेमारी या इस तरह की बातें आती हैं, सीबीआई की छापेमारी की बात आती है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है इस बार? देखिए चंद्रशेखर, जब हम पिछड़े राज्यों की बात करते हैं तो बिहार और बंगाल का नाम जरूर आता है, और मैं दोनों जगह मैंने चुनाव कवर किया और मैंने दोनों जगह देखा कि वाकई में अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये दो स्टेट ऐसे हैं जो काफी पीछे छूट गए हैं, और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा गरीबी और पिछड़ापन देखने को मिला। आपने बात की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बात जरूर है और खुद हमारे सहयोगियों ने इस बात को महसूस किया। आज प्रधानमंत्री की रैली थी और उससे पहले पुलिस कमिश्नर कोलकाता ने एक आदेश निकाला कि ये ऐसा लगता है, हमारे पास ऐसी खबर है कि यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं, जिसको देखते हुए कलकत्ता में 28 मई से लेकर 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, और ये इसका जो गेम प्लान था वो समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री के कैसे जो प्रोग्राम है उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, और डीडीयू जो कि प्रधानमंत्री के सारे प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो काफी दिक्कतें आई हमारे डीएसजी लगाने में, उन्होंने अड़चने पैदा करी, कैमरे के राइजर नहीं बनाने दिए और बार बार उन्होंने हमको परेशान करने की कोशिश की। तो ये जो ट्वीट में जो बात कही गई है वो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं उसे बता रहा हूँ कि वो उसको क्वांटिफाई करता है कि काफी जो है पुलिस का जो जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है उनके पास उनके सुपर बॉसेस से, तो उसके तहत जो है ये एक जरूर कोशिश की जाती है, लेकिन उस कोशिश के पीछे चंद्रशेखर हमको ये बात समझना होगा, ठीक है ये बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है, लेकिन इतना जरूर है कि ये टीएमसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और चूंकि ममता बनर्जी का एक लंबा राज है, एंटी इनकम्बेंसी काफी डेवलप हो चुकी है, संदेश खाली के नाम पे पूरा उनका एक धप्पा लगा उनकी सरकार के ऊपर की है, महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा नहीं कर सकती सरकार, जो माँ माटी मानुष का नारा देती है, जो एक ब्रिज का नाम भी माँ के नाम पे रखती है, और ऐसे में अगर माँ सुरक्षित नहीं है तो फिर महिला मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है। तो ये एक अस्तित्व की लड़ाई है टीएमसी के लिए, और अब जबकि प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है ऐसे में ममता बनर्जी भी पूरे कलकत्ता में जगह जगह रैलियां कर रही है, और काफी जगह हमें ट्रैफिक कंजेशन भी देखने को मिल रहा है, डायवर्जन भी देखने को मिल रहा है, और वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि चेक एंड मीट किया जाए, प्रधानमंत्री के हर मूव को चेकमेट करने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी और उनके पार्टी फंक्शनरी, और इसमें उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं बंगाल के चुनाव की, तो मैं इतना जरूर बता दूं चंद्रशेखर की मैंने बात की थी एक महिला कैंडिडेट है जून मालिया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव के अंदर हिंसा होती है, लेकिन अगर टीएमसी के लोगों को, मिदनापुर से वो कैंडिडेट थी, मैंने उनसे पूछा है कि क्यों बार बार बंगाल का नाम हिंसा से जुड़ता है खासतौर से चुनाव के अंदर, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे को प्रोवोक करेंगे बीजेपी वाले तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हम अपने लड़कों को रोक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर माना कि टीएमसी के जो कार्डर है वो हिंसक हो जाता है, वो अग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है, और मैंने खुद इस बात का मैंने एक्सपीरियंस किया जब मिथुन दा, जिन्हें यहाँ पर मिथुन दा कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था अग्नि मित्रा पॉल के समर्थन में, जब वो बुद्धापुर में रोड शो कर रहे थे तो अचानक टीएमसी के कार्डर की तरफ से पानी की बोतलें फेंकी गई और एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई, और ऐसा लगा कि हिंसक हो सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से उसको कंट्रोल में किया गया। तो यहाँ पर जो चुनाव है उसका सारा दारमोदार जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर आ गया है, और उनको ये देखना पड़ रहा है क्योंकि स्टेट पुलिस जो है वो कई जगह ये देखा गया है कि वो अपना रोल अच्छे से नहीं निभा रही है, और वायलेंस को कंट्रोल करने भी वो इनकेपेबल रही है और फेल भी हुई है। तो ऐसे में आप छठा चरण आपने देखा, पांचवा चरण आपने देखा, छठा चरण आपने देखा, छठे चरण में एक आदमी की मौत हुई और जगह जगह आगजनी हुई, और झाड़ग्राम के तो जो कैंडिडेट
है डॉक्टर टूडू, उनके सिक्योरिटी पर्सन को, उनके पीएस को, उनको चोट भी आई। तो ये अब सातवें चरण में जो बिल्कुल क्लाइमैक्स है, ऐसे में जो टेम्पर है वो बहुत हाई है, और ये अगर सेफ और प्री एंड प्रिपेयर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर सेफ भी अगर चुनाव आयोजित हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की और चुनाव आयोग की, क्योंकि डर इस बात का है कि अब सातवें चरण जो आखिरी बचा है जिसमें कलकत्ता में चुनाव होना है, कहीं हिंसा और ना बढ़ जाए। चंद्रशेखर। हाँ बिल्कुल विशाल, विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, बंगाल की राजनीति का हिंसा का इतिहास रहा हुआ है, कभी वहाँ सीपीएम के कार्यकर्ताओं और तृणमूल के कार्यकर्ताओं में झड़प देखी जाती थी, काफ़ी हिंसा देखी जाती थी। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि 6 फेज हो चुके हैं और कोई बड़ा ऐसा मामला आया नहीं। हालाँकि 6ठे फेज का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त बीजेपी के एक उम्मीदवार को तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की थी, उसकी गाड़ियां तोड़ दी थी, उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके सर में भी चोट आई थी। हिंसा और बंगाल की राजनीति और हिंसा को लेकर के क्या कुछ कहेंगे विनोद जी? मेरी आवाज आ रही है? आज का जो ये जो थीम है, आज का नॉर्थ कलकत्ता का जो ये आप देख रहे हैं रोड शो पीएम मोदी का, तो बड़ा ही सुंदर सा नाम है बंगाली मोने मोदी। बंगाल के मो मन में मोदी जो है वो इस थीम से आज का ये रोड शो का आप जब नजारा देखते हैं, और जब मैं देखता हूँ रोड शो के दोनों के साथ में चलते हुए लोगों का हुजूम, और उसके साथ में जो वहाँ लोकल आर्टिस्ट सब का जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए लोकल लोग वहाँ पे चल रहे हैं अपने नृत्य और अपने आर्ट का प्रदर्शन करते हुए, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी जो है वो एक एक यहाँ के सीन में एक आपको एक अलग सा तस्वीर बनाते हुए दिखता है। इस दृश्य को जब आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का जो इतिहास रहा है रक्त रंजित बंगाल का, तो उसमें आपको लगता है कि बंगाल जो है उन सब चीजों से एक आगे बढ़ना चाह रहा है। आगे मैं इसलिए बढ़ना चाहने की बात आपको कह रहा हूँ कि उस समय में जब पश्चिम बंगाल में यह आरोप ममता बनर्जी पे हमेशा लगता रहता है कि टीएमसी के का ये जो पश्चिम बंगाल के पुलिस फोर्स है वो एक तरह से उसके कार्यकर्ता बन जाते हैं इलेक्शन के में प्रोसेस से लेके और इलेक्शन के पोलिंग तक पे, लेकिन इस बार जब इलेक्शन कमीशन की वहाँ इस कॉन्फिडेंस देने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो वहाँ व्यवस्था है और उसके साथ साथ में वहाँ पे इतने सैकड़ों वहाँ ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल तो कम से कम इलेक्शन कमीशन का है। उसमें आप नहीं कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कोई सको सुभा की बात होगी। हाँ, एक चरित्र रहा है वहाँ इस तरह का जो दंगे और फसाद का चरित्र रहा है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि प्री पोल और पोस्ट पोल में इस तरह की संभावनाएं बनती है। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जब पीएम मोदी आज भी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जो उनके कार्यकर्ता है वो जिस कार्यकर्ता जिस भाव से एक उठ खड़े हुए हैं इस सरकार को खपकर के तृणमूल सरकार के अगेंस्ट में, तब आप इस तरह की चीजें नहीं चलता है, ये विरोध ज्यादा दिन नहीं चलता है जब जनमानस उठ खड़ा होता है। जैसे आपने संदेश थाली में देखा, जब सारी महिलाएं एक गांव की उठ खड़ी हुई तो ममता बनर्जी के सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की बातें धरी की धरी रह गई थी। तो जब लोग खड़ा होता है, जब आप इस भीड़ को देखते हैं छतों पे, आप जब देख रहे हैं कि सड़कों पे निकले हुए लोग रोड शो में प्राइम मिनिस्टर मोदी का अभिवादन करते हुए, तो बंगाल के मन में मोदी की का जो ये थीम है, तो आप ये महिलाओं को चेयरिंग करते हुए जब आप देखते हैं तब आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा परिवर्तन पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जिसका एक संकेत प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस नॉर्थ कलकत्ता के इस रोड शो में आप देखते हैं। तो ये साधारण सी बात नहीं है। ममता बनर्जी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली महिला है, कोई दुमत नहीं है इसमें। माँ माटी मानुष की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपनी अच्छी जगह बनाई थी। खास करके आप अभी भी कह सकते हैं कि सारी इलाकों में बीजेपी की पैठ नहीं हो पाई थी पिछले 2-3 इलेक्शन में। गांव में बीजेपी की पैठ बहुत जबरदस्त है, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार भी 18 सीटें जीती थी। अगर वोट परसेंटेज में आप 2019 का ले तो टीएमसी का 43% था, तो बीजेपी ने वहां 41% वोट सिक्योर किया था। तो सिर्फ 2% बीजेपी अभी पीछे रही है 2019 में। इस बार का नजारा इतना बदला हुआ है, जब आप कह सकते हैं कि अगर ये शहरी मतदाता जिस रोड शो के से आप गुजर रहे हैं
और पश्चिम बंगाल में ये लास्ट स्टेज होने वाला चुनाव है, उस चुनाव में शहरी मतदाताओं का एक बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो इसका नतीजा आप कह सकते हैं कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट 2019 के मुकाबले में 2024 में बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट होने वाला है। इसलिए पीएम मोदी कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा अगर बीजेपी कहीं से बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होगा। वो कॉन्फिडेंस आपको इस रोड शो से भी दिखता है। अगर पश्चिम बंगाल के शहरों में खासकर के कलकत्ता राजधानी में लोगों का ये हुजूम आप देखते हैं, लोगों की इस हुजूम की उत्सुकता देखते हैं, लोगों की एक ललक देखते हैं, बंगाली मोने मोदी के लिए ये आप एक जोश देखते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी है। और इस मोदी होने के जो वजह है वो सिर्फ एक नेतृत्व के साथ साथ में पश्चिम बंगाल में जो अव्यवस्था के पिछले इतने बरस रहे हैं और लोगों ने जिस तरह से देखा है, चाहे वो टीचर्स की नौकरी के मामले में हो, जब आपने देखा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 टीचर्स की नौकरी को एक तरह से सस्पेंड कर दिया था, उसको टर्मिनेट कर दिया था। इसी तरह के आपने सरकारी योजनाओं में देखा कि पश्चिम बंगाल वहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगभग सारे जो फ्लैगशिप स्कीम थे उसमें उन्होंने एक तरह से CBI इंक्वायरी लगा दी है। तो ये लोगों ने वहां देखा है, करप्शन का हालत देखा है, पूरा बंगाल का जो डेवलपमेंट है एक तरह से सीज पड़ा हुआ है। और जब ये सीज पड़ा हुआ है तो लोगों की एक उम्मीद अगर इस दौर में दिख रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी से दिख रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि बंगाली मोने मोदी, बंगाल के मन में अगर मोदी है तो इसकी झलक आप पीएम के इस रोड शो में, कोलकाता के इस रोड शो में देख सकते हैं, लोगों के इस उत्सुकता में देख सकते हैं, लोगों की इस ललक में देख सकते हैं कि फूल बरसाते हुए लोगों का जो आप देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कारवां चलते हुए देख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब शहरी इलाकों में बंगाल के मन में मोदी है तो जाहिर सी बात है ग्रामीण इलाकों में तो मोदी का और बीजेपी का बेस तो पहले से बना हुआ है। और ये बेस जब बीजेपी का बनता है तो 2024 आप सच में अगर आप माने तो बंगाल, पश्चिम बंगाल एक बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इसकी झलक भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आज के कलकत्ता रोड शो में हम पाते हैं। चंद्रशेखर जी, विनोद जी, ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा जो 77 मुसलमान जातियों को OBC घोषित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने, और उसके बाद इसको लेकर के जो राजनीति शुरू हुई, एक तरफ बीजेपी ने TMC पर हमला किया तो TMC ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए, उन्होंने कई जजों पर भी सवाल खड़े कर दिए, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने भी हमला किया, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का गला घोंटा गया है बंगाल सरकार के द्वारा, ये कितना बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो। देखिए पीएम मोदी लगातार अपनी जनसभाओं में कहते रहे हैं कि हमारा कोई मुस्लिम विरोधी एजेंडा नहीं है, लेकिन साथ साथ जब वो बताते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है तो वो किसी भी हालत में धर्म के आधार पे आरक्षण की बात नहीं होने देंगे जो गैर संवैधानिक है। तो जब पीएम मोदी ने जब इनके जो इंडिया गठबंधन खासकर के TMC के साथ साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने ये एक तरह से लगातार एक मुद्दा उठाया था, इसको बनाया था कि आरक्षण खत्म हो जाएंगे, उसके बाद का नतीजा आप देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट का ये जजमेंट ने ये पूरे नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया। ममता बनर्जी ने पिछले 2010 के बाद से लगभग 110 जातियों को, OBC जातियों को OBC के कैटेगरी में रखा है, नई जातियों को लाया था। अब उस 110 जातियों में अगर 72 अगर चंद्रशेखर जी वो सीधे मुस्लिम कम्युनिटी से है तो आप कह सकते हैं कि वो सीधे सीधे OBC के आरक्षण के साथ में एक अन्याय है। 120 जातियों में अगर 72 सीधे सीधे मुस्लिम जातियों का आता है तो आप कह सकते हैं कि दूसरे OBC पिछड़ा वर्ग जो है उसके कोटे में कितनी सीटें रह जाती है, मतलब 70-72% आप कह सकते हैं कि सिर्फ OBC में सिर्फ मुस्लिम जातियों के लिए रिजर्व हो जाती है। तो ये सवाल कलकत्ता में खासकर के पश्चिम बंगाल में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि लोगों का एक चर्चा में है कि लोगों को ये लगने लगा है कि आप चोर दरवाजे से आप धर्म के आधार पे ये आरक्षण की बात करके आपने एक तुष्टीकरण की राजनीति की है, इस आरक्षण को आप एपीजमेंट की राजनीति आपने की है जो कांग्रेस ने कर्नाटक में की है, आंध्र प्रदेश में की है, तेलंगाना में की थी, केरल में CPM सरकार ने की थी। तो इस तरह का जहां जहां जिस पार्टी को लगा है उसने अपने इस आरक्षण को बैकडोर से लाने की कोशिश की है।
तो ये ओबीसी को लेके जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके अंदर ये चेतना जरूर बनी है कि उनके साथ एक धोखा हुआ है। जो पार्टी ये बात की सफाई लोगों में बता रहे थे कि यह बीजेपी को 400 सीट क्यों चाहिए तो वो आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको ये बात सामने में ये बात पता लगा है कि वो आरक्षण तो खत्म करने की बात तो कभी कहा नहीं, लेकिन इन्होंने बैकडोर से आरक्षण खत्म कर दिया। तो ये चीजें एक बड़ा सवाल है जो ममता बनर्जी के मां माटी मानुष को एक बड़ा कहता बड़ा डेंट देने वाला है। इसके साथ में अगर आप देखिए तो पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा अभी आज की तारीख में उस ये है आज का इशू है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पश्चिम बंगाल हमेशा एक इंडस्ट्री के रूप में कलकत्ता उसका एक सेंटर रहा है, जो पूर्वी भारत से लेके उत्तर भारत का एक बड़ा एक कलकत्ता इसका एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। तो जिस दौर में पूर्वी भारत का डेवलपमेंट आज अगर आप अगर देखिए तो नॉर्थ ईस्ट से लेके कनेक्टिविटी पूरे भारत का एक जाल बिछा हुआ है, रोड का, हवाई जहाज का, वाटरवेज का, और इसमें अगर पश्चिम बंगाल अपने उस बिजनेस के एक्टिविटीज को बढ़ा नहीं रहा है तो ये जरूर वहां के लोगों के बीच में एक एक फ्रस्ट्रेशन है कि शायद ममता बनर्जी की अभी पॉलिसी रही है और उस पॉलिसी के चलते पश्चिम बंगाल काफी पिछड़ गया है। तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ वोट की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी को टीएमसी को एक तरह से एक सर्वाइवल देने के लिए ममता बनर्जी जो पॉलिसी बनाती रही है उसमें बंगाल का एक समग्र विकास का जो डेवलपमेंट था वो चाहे उनका टूरिज्म का दार्जिलिंग हो या पहाड़ के और दूसरे इलाका हो सारे इलाके टूरिज्म के नक्शे से लगभग कट्टे से चले गए थे। तो ये सारी चीजें जब आप इन सारी इलाकों में देखते हैं कोलकाता में आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रैली में देखते हैं तो शायद लोगों के मन में ये भरोसा जगा है कि डेवलपमेंट का विकास की जो धारा पूरे भारत में चली है उसी धारा से खास करके पश्चिम बंगाल को भी जोड़ना जरूरी है और ये पश्चिम बंगाल तब जुड़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक मजबूत समर्थन होगा। ये अभिव्यक्ति आप लोगों की इस रैली में देख रहे हैं, इस जोश में देख रहे हैं, इसके जोश में देख रहे हैं कि सारे लोग चाहे कलकत्ता के ऊंचे वर्ग के हों नीचे निम्न वर्ग के लोग हों चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो छोटे कारोबारी हो कारीगर हो सारे लोग अपने सब कुछ छोड़ के आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में नॉर्थ ब्लॉक कलकत्ता के आशीष रोड शो में दोनों बगल खड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि बंगाल के मन में मोदी है, जो आज के रोड शो का थीम है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हालांकि ये जो मुद्दा है ये पिछले 4-5 दिन में ही ये मुद्दा डेवलप हुआ है क्योंकि जो 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक करार दिया गया कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से, उसके बाद लगातार बीजेपी भी टीएमसी पर हमलावर है, टीएमसी न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रही है, ग्राउंड पे कितनी गूंज है इस मुद्दे की? देखिए चंद्रशेखर, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्राउंड पे हैं, अगर आप ग्राउंड कवर कर रहे हैं तो आपको ग्राउंड रियलिटीज के बारे में ज्यादा पता रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपका ये जो सवाल है कि लोगों का क्या रिएक्शन है, प्रधानमंत्री ने आज स्टेज पे जब ये बोला कि आप न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हो तो क्या जजों के पीछे भी तुम अपने गुंडे छोड़ दोगे, जब प्रधानमंत्री ने ये सवाल किया तो पब्लिक का बहुत जबरदस्त रिस्पांस था और इसी से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है इसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन चल रहे हैं, 7वां फेज बाकी है और ये फर्दर पोलराइज कर देगा चीजों को और ये जो है टीएमसी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि उनको एक तरह से ये दिखाया जा रहा है कि जहाँ वो बात करती है मां माटी मानुष की, ऐसे में वो मुस्लिम अपीजमेंट का जो उस पर आरोप लग रहा है उसको हाईकोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी है और ये जो टाइमिंग है ये उसके लिए बहुत एक जैसे कि बोलते हैं कि एक डेथ सेंटेंस की तरह आया है क्योंकि तो बंगाल का जो साइक रहा है, जो साइकोलॉजी रहा है वो लेफ्ट खत्म हुआ, लेफ्ट का कार्डर शिफ्ट हो गया टीएमसी में, कोई भी पार्टी अपने कार्डर के नाम पर जानी जाती है। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बंगाल में बीजेपी का कार्डर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी भी, तमाम रैलीज के बावजूद अगर
हम कंपेयर करें हम टीएमसी से, लेकिन जो टीएमसी के सामने जो सबसे बड़ा खतरा अब खड़ा हो गया है, जो लोग बातचीत में कर रहे हैं कि अगर टीएमसी ये चुनाव हार जाती है तो स्टेट इलेक्शन से पहले टीएमसी का जो काडर है वो बीजेपी में जा सकता है, क्योंकि वो यूथ है, यूथ फोर्स को आप किसी भी तरह गाइड कर सकते हैं, उसको एक मिशन चाहिए, उसको एक डायरेक्शन चाहिए, और जब उसको लगेगा कि ये पार्टी के ने मुझे मेरा मिसयूज किया और जो सामने जो पार्टी है वो मुझे एक उद्देश्य दे रही है, तो ये विवेकानंद ने कहा था वे कराई देन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो जो युवा है वो उसमें डाइवर्ट हो जाएगा। और टीएमसी के सामने अब ये सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं वो अपना काडर ना खो दे बीजेपी को, और यही बीजेपी जानती है कि उसके पास ये सबसे अच्छा मौका है, प्रधानमंत्री की बार बार रैलियां, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कनेक्ट करना लोगों से, और प्रधानमंत्री के लिए खास तौर से महिलाओं का और बच्चों का जो अपार प्यार है वो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, और इसीलिए ममता बनर्जी भी पूरी कोशिश कर रही है कि बार बार वो मां माटी मानुष का नारा देकर वो लोगों को अपने पास बुलाने की कोशिश करे, अपने काडर को समेटने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह से उनका जो ये एक एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हो गया है बंगाल के अंदर, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको वो कैसे कंट्रोल करे। और जब प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पर आके लोगों से मुखातिब होते हैं, रैली करते हैं, आज की जो रैली है ये बहुत बड़ा ग्रैंड शो है, और बीजेपी के लिए एक ये वॉटरशेड होगा इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि ये जो रोड शो है वो बीजेपी की जड़ों को और ज्यादा मजबूत कर देगा, खास तौर से शहरी इलाकों में। और अगर हम बात करते हैं कोलकाता की, कोलकाता में आसपास के गांव के लोग, दूसरे स्टेट के लोग भी यहां पर रहते हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, जो अब यहां के वोटर बन चुके हैं, चाहे वो बिहार झारखंड के भी हो, तो वो बीजेपी के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है चंद्रशेखर। और आज रैलियां करिए, प्रधानमंत्री ने जनसभाएं करी है, कल उनकी जनसभाएं हैं, आज उनका रोड शो चल रहा है, और इससे पहले भी वो आते रहे हैं, और इसके अलावा जो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो जले पे नमक छिड़क रहा है उस पार्टी के ऊपर, जो ये कहती है माँ माटी मानुष, अगर आप माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप स्टेट की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए। और जहां पर एक एमपी जो अब उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन वहां पर जो टीएमसी की एमपी है संदेश खाली में, वो भी एक महिला है, और जो अब तक वहां पर गई नहीं है, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा ये हादसा हो गया, आप वहां पर गए नहीं, तो उनका जवाब था अरे वहां पर तो 174 लगा हुआ है, उनको 144 और 174 का डिफरेंस नहीं पता था, और ये तमाम अखबारों में हेडलाइंस भी छपी, और टीएमसी को बहुत शर्मसार होना पड़ा अपने एमपी की वजह से। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो काडर शिफ्ट का जो एक सिलसिला है खासतौर से बंगाल में, वो एक बड़ा चैलेंज है खासतौर से टीएमसी के लिए। अगर उनकी पॉपुलैरिटी घटती है, टीएमसी की बीजेपी की बढ़ती है, तो काडर का जो शिफ्ट होगा वो उसकी कमर तोड़ देगा। चंद्रशेखर विशाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप जगह जगह पे घूम रहे हैं, बंगाल की हम बात करें तो जो मुख्य तौर पे मुकाबला है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन बंगाल में सीपीएम भी काफ़ी वहाँ पर सक्रिय रही है, और कांग्रेस का भी कुछ जगहों पे अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक है, इन दो पार्टियों के क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए चंद्रशेखर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, गांव देहात में जाते हैं, तो मुझे दो झंडे प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, एक टीएमसी का और एक बीजेपी का। जब हम बात करते हैं सीपीएम का, तो यदा कदा सीपीएम का भी झंडा दिखता है, कांग्रेस का झंडा बहुत कम दिखाई देता है या ना के बराबर। तो जो इंडिया ब्लॉक जो है, जिसे आप इंडी गठबंधन भी कहते हैं, वो जब कंबाइंड फोर्स होकर लड़ रहा है, देखिए वोट बैंक तो आपका एक ही है और वो है माइनॉरिटीज का। अब माइनॉरिटी का वोट बैंक कितनों में डिवाइड होगा, टीएमसी में डिवाइड होगा या आप जो कंबाइंड फोर्स बनकर आ गया है कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, लेकिन डिविजन तो तय है। ऐसे में अगर आप पोलराइज हो जाता है पूरा ये इलेक्शन, और संदेश खाली के नाम पे या फिर ये जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उसके नाम पे, तो उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, और खास तौर से जो अर्बन वोटर है, जो यूथ वोटर है और जो महिला वोटर है, वो अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा है। यहाँ तक कि जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो जो गरीब आदमी है, जो डेली वेजर है, वो भी बीजेपी की तरफ
बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। हमने देखा कि एक बंगाल में लंबा इतिहास रहा लेफ्ट रूल का, और तब ये कहा जाता था कि लेफ्ट ने बेशक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं किया हो, इकोनॉमी को नहीं बढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरियों को उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन जब हम ये बात कर रहे हैं जो रिजर्वेशन की बात है, जो लड़ाई हो रही है रिजर्वेशन को लेकर, तो रिजर्वेशन किस लिए चाहिए, आरक्षण किस लिए चाहिए, सरकारी नौकरी में चाहिए। सरकारी नौकरी के अंदर अगर आप उन दूसरे जातियों को लेकर आ जाते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनमें आपस में क्लैश पैदा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से अगर हम आप कंपेयर करें कि राजस्थान के अंदर जो गुर्जर एजुकेशन हुआ वो इसलिए हुआ कि जब जाटों को ओबीसी में शामिल किया गया तो गुर्जर साइडलाइन हो गए और तब उन्होंने डिमांड की कि हमको भी एससी स्टेटस दिया जाए। तो ये जो आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो पाए है, पाए चार्ट अलग अलग हिस्सों में जो बटा हुआ है, उनमें अगर गड़बड़ी होती है तो फिर जो लोग हैं जो मेजोरिटी में है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और हाईकोर्ट जब ये कहता है कि आपने ये गलत किया है तो ये बात और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। और ऐसे में अगर आप ये कहें कि न्यायपालिका ने टाइमिंग को देख कर ये फैसला दिया या वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आपको अपने ही हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं है तो ये क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा एक डिसीजन भी लिया। जो यहाँ पर जो फॉर्मर जस्टिस थे, बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी तो हाईकोर्ट ने उनको भी चेक किया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट पार्टिशनिटी के साथ अपना वो वर्डिक्ट दे रहा है, क्योंकि तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो कानून व्यवस्था है उस पर हमें भरोसा होना चाहिए। चंद्रशेखर, ठीक है, विशाल हमारे साथ बने रहिए, विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ममता बनर्जी या टीएमसी की हम बात करें तो वो सीधे तौर पे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है नहीं। एक बयान उनकी ओर से ये ज़रूर आया था कि वो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, ऐसे में हर आदमी चाहता है कि उसके देश में एक स्थायी सरकार हो, ऐसी सरकार हो जो देश का भला करे, उसका भला करे। इसका कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर हम चंद्रशेखर जी अगर इसको देखें, आपके सवाल का जवाब दें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बंगाल में चाहे वो टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सारे पार्टियों का, इन सारे पार्टियों का जो वोट का आधार है वो 30-32% मेजोरिटी का वोट जो है वो सब पार्टी की नज़र उस वोट बैंक पे होती है। अब सीधे सवाल ये है कि सीपीएम की लड़ाई यही थी कि ममता बनर्जी ने पूरे थोक भाव से पूरे के पूरे उस 32% जो मुस्लिम कम्युनिटी जिसको आप बोलते हैं मेजोरिटी में, उसको एक झटके में वो झटक ली थी अपने अलग अलग राजनीति में, अपने अलग अलग एपीजमेंट से। कांग्रेस की हालत में आप ये देखिए कि राहुल गांधी का अभी जो न्याय यात्रा की निकली थी पश्चिम बंगाल के कई मुर्शिदाबाद से लेके, जो उनका एक पुराना ट्रेडिशनल इलाका रहा है, ममता बनर्जी सरकार ने वहां पे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के परमिशन भी नहीं दी थी। अधीर रंजन चौधरी उसके लिए धरने पे बैठे हुए थे। तो ये कौन सा इंडिया गठबंधन है कि दूसरा गठबंधन के नेता, दूसरे पार्टी के नेता उसी गठबंधन से अगर वहां न्याय यात्रा निकालने चाहते हैं तो उसको ममता बनर्जी सरकार ने परमिशन नहीं दी थी, आपको शायद याद होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि ममता बनर्जी वहां मुस्लिम वोट को लेके जिस तरह से मुखर है, और उस देखिए आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ में इस कमल को लेके देखिए कि अभी किसी वहां के जो भीड़ में आए हुए किसी दर्शक ने एक तरह से ये सौगात के रूप में देखी दे दी है। तो ये बंगाल के मन में मोदी जो आप है वो आप देखिए कि कमल को लेके लोगों में उत्सुकता क्या है, और जिस बात की उत्सुकता के हम कह रहे थे उस भीड़ को आप देखिए, और उसके बाद हर के हाथ में उस मोबाइल फोन को देखिए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस कमल का जो गुच्छ लिए हुए वो लोगों के बीच में है, तो किस तरह से एक एक लम्हे को कैद करने के लिए तैयार है। ये इस बात को किसी पार्टी ने कभी एक तरजीह नहीं दी, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीएम हो, उनको ये लगा कि बंगाल में अपना राज स्थापित करना है, बंगाल में एमपी इलेक्शन जीतना है, तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक जो है उसी को पहला दुरुस्त करना है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो बंगाल के इंटेलेक्चुअल हैं और दूसरी कम्युनिटी जो कम्युनिटी हिंदू सनातन वाले कम्युनिटी है उनमें इतना डिविजन है कि उसके पीछे वो कभी रहे ही नहीं। तो ये एक तरह से आपने देखा होगा कि इसमें ये बड़ी कामयाबी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बीजेपी के इस अभियान को खास करके वहां पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच में फैलाया और एक तरह से यूनाइट किया है। अब जो ये यूनाइटेड जो आप देखते हैं ये पीएम मोदी का सबसे बड़ा वोट बैंक है।
और ये वोट बैंक में जब आप लोगों को देखते हैं इस भीड़ में, लोगों के एक सहारी भी मतदाताओं की आप इस तरह की ललक को आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि आज दूसरी पार्टियों को भी इससे खतरा लगने लगा है। तो इसी यही कारण है कि ममता बनर्जी अकेला चलो का नारा देती है कि वो सीपीएम और कांग्रेस से अलग दिखना चाहती है, लेकिन अलग दिखने के साथ साथ में वो अपने जो वोट बैंक है उससे अलग वो नहीं होना चाहती। इसलिए अगर कांग्रेस ने अभी तक यूसीसी पे सीएए पे कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन ममता बनर्जी पब्लिक रैलियों में कहती है कि पश्चिम बंगाल में हम यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, तो पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी चाहती है कि वहाँ ट्रिपल तलाक का जो ये नियम है वो लागू रहे, बहुविवाह प्रथा जो है वहाँ ये लागू रहे, वो किसी भी हालत में वहाँ मौलवियों को नाराज नहीं करना चाहती है। लेकिन इस स्टैंड को लेके सीपीएम और बाकी जो दूसरा कांग्रेस है उनका स्टैंड बहुत क्लियर नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो स्टैंड है वो अभी भी सीधे सीधे वो अपने अपीजमेंट को वोट बैंक को लेके है, और यही कारण है कि उनका जो एक इतना वो एक ओवरडोज अपीजमेंट है उसका रिएक्शन आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, कोलकाता के इन सड़कों पे देख रहे हैं। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो उसको पुलिस बैरिकेड करती है, परमिशन नहीं दिया जाता है, चार दिन तक लगातार इसी शहर के इसी सड़क पे वहाँ दंगा होता है रामनवमी के जुलूस में, रामनवमी के त्यौहार में, चाहे वसंत पंचमी के मूर्ति विसर्जन में। तो ये बात लोगों को लगने लगा है कि क्या पश्चिम बंगाल में सनातन के लोगों को, हिंदू के जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनके पर्व त्योहार को जो मानने वाले लोग हैं, उनको आजादी नहीं है। और ये बात साफ साफ दिखता लगता है कि हर त्योहार के समय में आप पश्चिम बंगाल में किसी न किसी तरह का उपद्रव देखे होंगे, किसी तरह का रायत देखे होंगे। तो ये चीज एक पीएम मोदी से उनके सिक्योरिटी का भी एश्योरेंस मिलता है कि कम से कम ये इन्हें लगता है कि उनके जो धार्मिक आजादी है वो पश्चिम बंगाल में अगर सुरक्षित होगी जब वहाँ बीजेपी मजबूत होगी। तो ये इस सारा रिएक्शन आप जब देखते हैं, कब ये कलकत्ता की सड़कों पे आप देख रहे हैं, लोगों के इस हुजूम में आप देखते हैं, तो वो भी एक रिएक्शन है जो अभी तक टीएमसी को वहाँ जिताती रही है, वहाँ के मतदाताओं का जो उनका समर्थन उनको मिलता रहा है, वो इस बार आप अगर बीजेपी की तरफ पे आप देखते हैं तो वो ओवरडोज अपीजमेंट ही है जो ममता बनर्जी सीपीएम और कांग्रेस की पॉलिटिक्स करती रही है। तो ये सारी चीज जब आप पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं तो ये बीजेपी का और खास करके ठीक है विनोद जी, अब लगता है ये रोड शो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने रथ से नीचे उतर रहे थे, वो दृश्य हमने आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का आवास है, वहां पर ये रोड शो समाप्त होना था तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। विनोद जी एक सवाल आपसे यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विरासत है उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में प्रधानमंत्री का खासा योगदान रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है अगर हम पश्चिम बंगाल के लिहाज से बात करें? चंद्रशेखर जी आपने बहुत शानदार सवाल किया, जो आजाद हिंद फौज के से बात करते हैं हम जब कभी और नेताजी की बात कर रहे हैं तो उनका नाम कम से कम 50-60 साल में आजादी के बाद एक गुमनामी में धकेल दिया गया था। आपको याद होगा कि लाल किले में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के जयंती पे वहाँ किस तरह से नेताजी को वो कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो एक श्रद्धांजलि, एक बहुत बड़ा एक उन्होंने एक भव्य आयोजन किया था। आपने देखा होगा कि जिस राजपथ की बात होती थी वहाँ सुभाष चंद्र बोस का भव्य प्रतिमा लगा के उसका कर्तव्य पथ नाम दिया गया है। तो दिल्ली में जहाँ सुभाष चंद्र बोस को इस राजधानी दिल्ली में एक तरह से हाशिए पे डाल दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने उस स्वतंत्रता सेनानी के अव्वल सेना नायक को सुभाष चंद्र बोस को वो जगह दी है और भारत के प्राण के प्रतिष्ठा में जिनका एक बड़ा योगदान रहा है उनको दिल्ली के उस कर्तव्य पथ को सामने में लाया है। जब आप पार्लियामेंट देखते हैं, संसद भवन देखते हैं, उसके ठीक सामने में कर्तव्य पथ में आप सुभाष चंद्र बोस को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देश के नायक है जिन्हें अब तक एक तरह से हाशिए पे डाला गया था, गुमनामी में रखा गया था, वो गुमनामी का दौर खत्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस मुख्य धारा में उस नई पीढ़ी के सामने में खड़े हैं। जो भी कोई कर्तव्य पथ पे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस उनको सामने में मिलेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। जब आप स्वामी विवेकानंद के इस स्टैच्यू के सामने में पीएम को देखते हैं और पुष्पांजलि करते हुए देखते हैं तो ये भारत की एक सांस्कृतिक गौरव रही है।
चेतना का रहा है। ये विश्व गुरु भारत जो है उसके एक प्रतीक रूप में स्वामी विवेकानंद है, और वो स्वामी विवेकानंद अगर कलकत्ता में देश में अगर गुमनाम हो जाए तो ये कह सकते हैं कि भारत की जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी एक सबसे बड़ी अवहेलना है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आज अगर कलकत्ता में है तो माँ शारदा के उस भव्य उनके घर से उन्होंने शुरुआत की थी यात्रा को, तो स्वामी विवेकानंद के स्टैच्यू के सामने में अपनी यात्रा को, सब इस रोड शो को अब विराम दिया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो भारतीयता है, भारत की जो मौलिकता है, उस मौलिकता को एक पहचान देने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है, जिसका नाम था बंगाल में, बंगाल के मन में मोदी। ठीक है विनोद जी, दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री का रोड शो यहीं पर समाप्त हुआ है। ये शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद जी का ये आवास है, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो समाप्त किया। और प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो शुरू किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। नमस्कार, आपके चहेते न्यूज़ नेशन नेटवर्क के इस खास शो